फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा, ये है मेरे मिस्टर और आपका स्वागत है स्मैथवी शिवी के चैनल पे। क्यों है मुझे लग रहा है कुछ आज मेरे किसी ओल्ड वीडियो पे शायद, जिसमें मैंने शिवी का कुछ रूटीन वगैरह डाला था, उसमें एक कमेंट आया बड़ा प्यार से कि आप अपने हस्बैंड को थोड़ा काम सिखाओ। और इन्होंने शायद वो बात दिल पे ले ली और इसी चक्कर में यूट्यूब पे कमेंट करते हो, शायद तुम या और यूट्यूबर ले सकते हो दिल पे। ये बात तो सही है, ये कभी बनाने जा रहे कुछ नहीं, सिर्फ तहरी। बड़े दिनों बाद ही मैं तहरी बनाने का आज मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए खड़ी हूँ। हिंदी में रहती हूँ, हिंदी बोलोगे हिंदी। अच्छा, कौन सा कार कर रहे हो? बट आज क्या हुआ कि अभी कुछ पराठे रखे हुए हैं आफ्टरनून के, जो मैंने नहीं खाए थे, तो इन्होंने कहा कि क्या, उन्होंने मैं कहा पराठे रखे हैं थोड़े बहुत आप खा लेना और थोड़ा सब्जी भी रखी है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ तहरी मैं बनाऊंगा। मैंने कहा मैं तहरी बना लूँ अपने घर में बनाऊंगा। ये जीरा जो कि साफ है, अब इसको मसल के इसको निहारते और मैं इसलिए खड़ी हूँ यहाँ पे। सही ये मैं दिखा रहा हूँ, मुझे ऐसा करूंगा तो ये जीरा इस बार रास्ते इस वाले हाथ में चला जाएगा, तो वो यार खा रही होगी ये। और मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मुझे इन पे भरोसा नहीं कि सब्जी और तहरी जैसी चीजों पे ये कुछ भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैं भी काफी टाइम बाद बना रहा हूँ, मैं भी चाह रहा हूँ आप यहाँ खड़े रहो, ये गर्म हो रहा है ज्यादा। इन्होंने क्या क्या लिया मैं दिखा देती हूँ। प्याज 2-3, हरी मिर्च, आलू, और यहाँ पे जीरा डाला। देसी घी में बनेगी तहरी। ओके, तहरी देसी घी में ही बनती है, डिपेंड करता है आदमी की गुंजाइश के ऊपर। और यहाँ पे ये मैंने जो है मटर जो है ये फ्रोजन मटर है, इसको भी अभी मैं निकाल करके एक कटोरी में कर देती हूँ, पानी से निकाल देती हूँ, तो तहरी फटाफट बन जाएगी और मुझे तो कुछ नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं पता पूछ लूंगा बता देना ना। अभी तहरी डाल दी मैंने इसके अंदर। अच्छा, मतलब जीरा डाल के, तहरी डाल दी, तहरी डाल दी। और मिस्टर ने देखिए चोटी बांध रखी है पूरा, जो मुझे देखते हैं ना कि मैं किचन में आती हूँ तो बाल बाल बांध करके आ जी। हाँ, मैं बाल नहीं बांधती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हें देख के। हाँ, जब इतने बड़े बाल होते तो मैं बाल की करता हूँ। मिर्ची देखो, तो मैंने बोला कि मत बनाओ नहीं तो किचन भी गंदा हो जाएगा। हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, हम डालेंगे इसके अंदर प्याज। थोड़ा दूर होकर करो तो छींटे पड़ेंगे कहीं नहीं करेंगे। बात ये गई प्याज के अंदर, अब प्याज को प्याज पे धीमे धीमे हौले हौले, इतना भी हौले नहीं कि जल जाए, थोड़ा ध्यान से इसे घुमाए। तब तक आप प्याज करो, मैं यहाँ पे ये मटर कर दूँ। हाँ, मटर ही तो है, मटर को जो है मैं धुल करके कटोरी में, इसी कटोरी प्याज वाली कटोरी में निकाल देती हूँ। ठीक है, तो ये मटर जो है वो हो गई है, प्याज सॉरी आलू भी यहाँ पे हो गई है, और प्याज का क्या सीन हो रही है? कितने टाइम बाद आप मेरे लिए खाना बना रहे हो? खाना तो मैं तुम्हारे लिए बनाते रहता हूँ, कभी मेरा मन कर रहा था। एक्सक्यूज मी, कब बनाया लास्ट टाइम? नहीं बना तो ऐसे कर रहा हूँ, बताओ यार। मैगी बनाते हो, ब्रेड बनाते हो, और क्या बनाया? पराठे पूड़ी बनाए होंगे। ये भगवान, नहीं बनाए क्या? तो हाँ नहीं बनाए, क्या तो नहीं बनाए। पूड़ी कब बनाई लास्ट टाइम? नहीं क्या, चलो कोई नहीं, बनाया होगा, बनाया होगा, ये राम देख लो। लाल जैसे कि पुलिस वाले डंडे मारते हैं ऐसे हल्का हल्का लाल हो जाता लोगों का। मिर्ची कब डालोगे? मिर्ची डाल रहे हैं ना, चाकू जैसी कोई चीज होगी साइड में रखी हुई, सारे काम तो मैं करवा दूँ, इसलिए तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। मुझे बताइए, चली मिर्ची इतनी छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी काट ताकि पता न चले मुंह में जाते हुए किसी को। अरे कुहू भी अगर इनके खाना होगा ना तो फिर वो खा लेगी नहीं, छोटी मिर्ची में फिर बहुत ज्यादा निकालना होगा, मटर भी है ना, पता नहीं चलेगी हरी के साथ, हरी समझ रहे हो, बड़ी बड़ी डाल के साथ हरी। हाँ, और दूर होकर डालो, ये मिर्ची पहले काटनी चाहिए थी ना, मैंने बोला था मैं काट देती हूँ आपने कहा नहीं, मैं कर दूंगा सारे काम, मैं कर दूंगा खुद तो भी झट नहीं रहे कह रहे हो कि दूर भी करो, थोड़ा ऊपर करो कैमरा, लोगों को पूरा नजारा आना चाहिए मिर्ची का। एक्चुअली इंडक्शन पे चल रहा है ना, तो इंडक्शन पे बंद करना पड़ेगा, इंडक्शन का टेम्परेचर भी कम कर सकता है इंसान। ओ माय गॉड, ये क्या चीज बोलती है मेरी मुंह से, मतलब प्याज का हो जाएगा बढ़ता, प्याज बन जाएगी ड्रैगन का बढ़ता। आलू डालो क्या? बालू आलू, और ज्यादा देर तक और करते तो पहले मैं इंडक्शन मैं सेट कर देती हूँ, क्योंकि इनको नहीं आता इंडक्शन सेट करना। इसके अंदर पड़ गया आलू, ये अंदर जाएगी मटर, और हमेशा रखिए जो फ्रोजन मटर होती है उसे निकाल कर हमेशा रख दीजिए, पहले थोड़ा पानी में रख के।
क्योंकि एक्चुअली ये जो फ्रीज में रहती है ना सारी चीज़ें, जो भी सारी पैकेट वाली फ्रीजर वाली होती है ना सारी चीज़ें, मटर की खुशबू भी अच्छी होती है। थोड़ा डाल दूंगा, मसाला डालूंगी तो फिर अभी इतना नहीं चलाते हैं भैया। मेरा सब मैं बना रहा हूँ ना पहले, तो मैं खाने में मतलब जल्दी डालो, इनको तो बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर भी डाल देंगे, फिर खाना तो मुझे ही पड़ेगा ना। बस बस जल्दी, बस थोड़ी सी और, बस बस थोड़ा सा बस, ये डाल दिया ना, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डाल दूंगा ठीक है, नमक भी डाल दिया, धनिया पाउडर ले लिया हमने, ये है गरम मसाला, नहीं सब्जी मसाला, ये है सब्जी का मसाला, लेकिन हमने पहले बनाया सब्जी बना नहीं रहे, तो कोई नहीं पड़ता, सब्जी मसाला चटपटा होता है ना, बस ठीक है हम मिक्स कर दें। हमारी जो छोटी रानी है वो दम कर रही है अपना, वॉल पे जितना कलर कर सकती है, जितनी पेंटिंग कर सकती है सब कर रही है। मटर की कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, मतलब कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, पति के हाथों का जादू है बेटी जान। और ये तुल के चावल, ये चावल है, थैंक यू, धुल के रखा था, एकदम बिरयानी की तरह खिल जाता है, एकदम गुलाब के फूल की तरह, इसलिए मैडम को मैं गुलाब का फूल नहीं देता, तैयारी कराया था। अच्छा बस इतना नहीं चलाते, अरे मिक्स हो रहे चाहिए, अरे वो मसाले पक गए बस, बहुत है तुम्हें खुशबू आ रही है, दिखाओ देखो देखो कितना पानी डूबना चाहिए ना वो चावल को, पता कोई नदी है, वैसे बोलते हैं जितना कटोरी में चावल लो ना उसका डबल पानी डालना चाहिए हमेशा, वो दाल में होता है, चावल में भी होता है, चावल में डबल नहीं होता, नहीं चावल गीले हो जाएंगे, मतलब तुम निशा मंदुरीकर जी को गलत बोल रही हो मेरे सामने, अच्छा आपने वीडियो देखी है, देखा पकड़ गए चोरी। अब नमक तो मैं डालूंगी भैया, नमक तुम नहीं डालोगे, पकड़ो क्योंकि नमक डालोगे ना, नमक को डिब्बे को, हाँ नहीं इसको छोड़ा ना, ऐसे देख के कोई बात लीक मत कर देना बाहर के, हम कितना नमक खाते हैं। और इंडक्शन इन्होंने सर ने इधर से खिसका के इधर कर लिया, ये क्यों किया, ताकि मैं पास से परस्पर से बना दूं, ये सीटी लग जाती है विक्रम, तुम तो ना घर में हादसा कर दो, लगी नहीं लगी सीटी, देखो बड़ी सीटी लग गई, तुम्हें तो लगती नहीं सीटी, अब कहा लगी सात साल को शादी पकड़ो बंद करो, अब तो बस बंद ही करती हो तुम, हर चीज तुरंत बंद कर दिया, वो है कुकर बंद, उसको यहाँ रखा करो, चीजों को मेरी खिलाया मत करो, जब मैं बनाता हूँ खाना तो मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, ठीक मैडम, मैंने आपको बोला ही नहीं था बनाने को, ये आगे सीधे, और मैंने नमक इसलिए डाला क्योंकि मुझे पता है कि ये कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो भैया नमक अगर गड़बड़ हो गई तो उसके बाद तो फिर इंसान समझ सकते हो कैसा वो, और तैरी तैरी के साथ पापड़, अरे लिचर पापड़ भी रखे है ना, और लिचे पापड़ ना मेरी शिवी को बहुत पसंद है, अगर हम लोग खाते हैं ना तो वो अगर पापड़ देख लेती है तो पापड़ देख करके वो इतनी मतलब एक्साइटेड हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि पापड़ खाना है, तो बस अभी चलते हैं थोड़ा सा दिखाते हैं कि कैसी बनी है फाइनल। अच्छा अमेजोन प्राइम पे अगर कोई इंग्लिश में कुछ देखता है कोई सीरीज वगैरह, तो एक सीरीज पड़ी है इसमें गॉड फ्रेंडेड मी के नाम से, ऑसम सीरीज है, मोटिवेशनल है। अरे मैंने ना अमेज़न से कुछ मंगवाया है, अरे उसकी मैं अभी बता नहीं रही हूँ, मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूंगी क्योंकि एक्चुअली में ये वर्कआउट करते हैं तो पता नहीं लग रहा वेट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, मुझे दिल उठा के देख कर लिया तो मैंने मंगवाई है वेटिंग मशीन, उस कौन से उसकी मंगवाई है क्या मंगवाई है वो जरूर दिखाऊंगी, उससे फिर मुझे शिवी का भी थोड़ा सा वेट वगैरह देखना होता है, और मुझे तो अपना पता है एज यूजुअल मेरे 45 से अबव जाते हैं, इनके साथ साथ 44 45 44, नहीं यार 60 पीछे 42 भी हुआ था एक बार, ऐसा नहीं है, मेरा वेट जब शिवी थी मेरे पेट में तो मेरा 58-60 भी गया, जब शिवी पेट में 60 का टच हुआ था, 58 तक गया था, और मुझे आ गई ये, इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो ये क्या 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 कहते हैं, मेरे पति देव ने इंडक्शन भी रोटा रखा, तो एक सीटी में मेरा इस एज में बच्चे फोन बहुत मांगते हैं, ये बात तो फैक्ट है, बहुत मांगते हैं, वो तो हम देते नहीं वरना पता नहीं क्या करें, मैं तो पता तकिए के नीचे अपना फोन छुपा के रख देती हूँ, फिर पता किसी का फोन आता तो सब मुझसे ये फैमिली वाले कहते तुम लोग फोन भी नहीं उठाते हो, उसे टीवी के एड याद हो गए, टीवी के एड याद हो गए, टीवी कुछ एड पे इतनी एक्साइटेड होती है, मतलब अगर दूध पी रही है छोटा पैक नहीं, हाँ
शिवी को बहुत पसंद है। और मैं हमेशा कहता हूँ ऐड देख के समझती भी हो कुछ, रात को जब मैं अपना मोबाइल लेके बैठता तो फिर मेरा मोबाइल कहेगी छीनती जो अपना देखो। पता अगर विक्रम को फोन पे मूवी वगैरह देखते रहते हैं ना तो पता क्या करती, कान से लेके निकाल लेगी और अपने लगा लेगी, हंसेगी बिन बात, कुछ समझ नहीं आएगा, हंसती रहेगी। और एक दिन क्या हुआ कि हम दोनों ने वीडियो बनाई थी यहाँ पे कि विक्रम सुबह 3-4 बजे पकड़े गए फोन देख कर, तो किसी ने मुझसे व्हाट्सएप पर पूछा था कि क्या विक्रम किसी लड़की से बात कर रहे थे। अरे इनको कौन पूछेगा जिसकी इतनी दाढ़ी पक गई हो, सोच रहा हूँ कलर कर ही लूँ माने। अब तो अब इंसल्ट की बात, अब दिल खुल गई। अरे आज तो कलरफुल टी शर्ट भी बना, ऐसा कुछ नहीं है। 7 साल के बाद कौन बुड्ढो को पूछेगा, यूज मटेरियल कोई नहीं। एक्सपीरियंस खिलाड़ी की जरूरत हर किसी को होती है। खाना खाते हैं साहब जी, और कुछ कहना है? बस नहीं कहना है, कोविड चल रहा है भैया, भूल मत जाना घर में रहना। अरे कोविड ने तो यार बेचैन, कोशिश करना कि बाहर ना निकलना पड़े, मजबूरी में बाहर नहीं जाना, मजबूरी में नहीं जाना। हम बोर हो गए, मुझे बहुत ही सपोर्ट कर लिया, बाहर निकलेंगे। हम बहुत सपोर्ट कर लिए, शिव की तबीयत भी खराब हो गई चेहरे पर, घर पे बैठ के भी शिव की तबीयत खराब हो गई, इसलिए और गुस्सा आ गया। पर चेहरे पर चादर बांध के जाना पड़े भाई साहब, पर हम निकलेंगे। अब फैमिली वाले भी कहते हैं आओ एक बार मिलके। हाँ यार वो ऑब्वियस है कि फरवरी से पहले गए थे हम, जनवरी में गए थे, जनवरी में गए थे हम लोग। आज क्या हो गया, जनवरी से सितंबर चला, 8 महीने 9 महीने सितंबर 9वां महीना होता है। अरे जनवरी तो 1 महीना होता है ना। अच्छा माइनस नहीं करना था ऐसे, स्कूल जाओगे? अच्छा कू को A to Z पूरा आ गया, 1 to 10 पूरा आ गया, काका गागा में अभी थोड़ा बहुत गनी आता है इनको, पोएम जानी जानी हमें, बॉडी पार्ट्स में इतना ऊपर की मुंडी के बाद पूरा याद हो गया है। अब तो नेक तक आ गई है, नेक तक आ गई है। और कलर्स नेम पता है शिवी को, बट मैडम बताती जब ही है जब इसको मूड करता है, खुद से पूछ रहे रैंडमली तो नहीं।